जैसे इंटर में वर्ड मीनिंग बड़ी डिफिकल्ट है ना, इंटर में एक तरह से ये जानिए कि इंटर में जितने भी वर्ड मीनिंग है वो एक तरह से लिटरेचर वर्ड मीनिंग है, ठीक ना। आप उसको चाहेंगे कि इजी वे में गेट बाय हर्ट लर्न कर जाना तो नामुमकिन है, ठीक ना। इसके लिए आपको किसी न किसी लिंक की जरूरत है। जैसे हमने कुछ वर्ड लिखा है, अब तुम लोग अगर अपने दिमाग से सोचो कि ये वर्ड कभी तुम लोग कभी ध्यान दिए थे कि इसके मतलब क्या होता है। ग्रिट पता है, ग्रिट GREET। अपैथी मालूम है, ऑरेसियस नहीं, एंडोर्समेंट नहीं, डेंटी नहीं पता है, एपोक्लिप्टिक नहीं पता है, एपोग्राइपल नहीं पता है, कैटाक्लिज डिस्पेयर। जब ऐसे वर्ड मीनिंग लर्न रहेंगे तब आपकी राइटिंग स्किल और ट्रांसलेशन की स्किल तब आपके अंदर निखार आएगी, न कि हल्के वर्ड के वर्ड मीनिंग से नहीं। ये सब के सब आपके ही इंटर के सिलेबस में मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में, चाहे प्रोज में, चाहे पोएट्री में, चाहे शॉर्ट स्टोरीज में, चाहे ड्रामा में, चाहे द लाइफ ऑफ एशिया में, मतलब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन आज इसको हम इजी वे में बनाने के लिए हम आपको एक लिंक वर्ड दे रहे हैं, अभी बैठे बैठे 5 मिनट में लर्न हो जाएगा, नहीं तो घर जाएंगे 2 घंटा लर्न करेंगे, अगर 2 घंटा लर्न कर लेंगे लेकिन 20 मिनट में फिर भूल जाएंगे, ठीक है। ग्रिट, ग्रिट हम जो लिख रहे हैं तो उसको हम लिंक कर रहे हैं ग्रिट से, अपैथी को पोथी से, हवेसियस को हसनावर, एंडोर्समेंट ठीक, डेंटी एपोक्लिप्टिक एपोग्राइपल कैटाक्लिज कैट को किल बेस पे या बेस पर। अब ये हम लिंक वर्ड दिए हैं, अब इसके आगे हम इसका मीनिंग लिख रहे हैं। ग्रिट का मतलब होता है साहस, क्या होता है साहस, साहस। पोथी का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। और एसियस का मतलब होता है लालची, क्या होता है लालची। अभी फिर अपने टॉपिक पर, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन, अनुमोदन या समर्थन, ठीक ना। और डेंटी मतलब होता है आकर्षण, और एक एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है बर्बाद, और एपोग्राइफल का मतलब होता है नकली या अप्रमाणिक, ठीक है। और कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय, ठीक ना। और डिस्पेयर मतलब होता है उदास, समझ आया। इतने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है लेकिन हम लिंक से सिखा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करो। अब देखो ग्रीक और ग्रेट एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो ग्रीट का मतलब साहस, तो ग्रीट किसमें होती है, ग्रेट लोगों में। आप अपने उसे बनाएंगे, ग्रेट लोगों में क्या पाई जाती है, ग्रीट पाई जाती है ग्रेट लोगों में। ग्रीट जो ग्रेट होता है वही तो ग्रीट होता है, उसके अंदर बिना ग्रीट के कैसे ग्रेट बनेगा। तो ग्रेट लोगों में, महान लोगों में गजब की ग्रीट होती है, तो ग्रेट लोगों में गजब की ग्रीट पाई जाती है। कहता हूं दूसरा पर आ जाओ, अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अपैथी पोथी, अपैथी पोथी, अपैथी पोथी, पोथी पढ़ने से अपैथी होती है, कोई पोथी नहीं पढ़ना चाहता, इतना मोटा किताब दे दो नहीं पढ़ेगा, अब एक कहानी दे दो, स्टोरी छोड़ी थोड़ी सी कहानी हो तो उसको तुरंत पढ़ लेगा। तो पोथी पढ़ने से क्या होती है, अपैथी होती है, पोथी पढ़ने से अपैथी। अब आ जाओ ऑरेसियस, ऑरेसियस का मतलब लालची, तो जो लोग हमारा लोग होते हैं वही तो ऑरेसियस होते हैं, वही ना लालची होते हैं, मतलब जो गलत किस्म के होते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जो ऑरेसियस वही होते हैं, समझ आ रहा ना।
लाफिंग करने की जरूरत, हमको लिख देना है तुम्हारे बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम इसको ऐसे हल्के में याद कर जाओ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। हमने एक बार कहा ना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगवाएंगे, जो भी है जितना दिमाग है उतना ही दिमाग से काम चलाना है तुम्हारे, ठीक ना। तो हमने कहा अवरेसियस अवारा, अवारा लोग कैसे होते हैं, अवरेसियस, अवरेसियस कैसे मतलब लालची होते हैं, हो गया। अब आ जाओ इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब होता है अनुमोदन या समर्थन। तो इंडोर्समेंट इंदौर में सीमेंट, इंडोर्समेंट इंदौर में सीमेंट, इंडोर्समेंट इंदौर में सीमेंट, इंदौर में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री को इंडोर्समेंट मिल गया, अनुमोदन मिल गया, समर्थन मिल गया, अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकती है, लगा सकती है। तो इंडोर्समेंट, तो इंदौर में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री को क्या मिल गया, इंडोर्समेंट मिल गया, अनुमोदन मिल गया। अब आओ डेंटी, डेंटी का मतलब आकर्षण, दिन में आंटी डेंटी, दिन में आंटी डेंटी, डेंटी दिन में आंटी, डेंटी दिन में आंटी, दिन में आंटी कैसी लगती है, डेंटी लगती है, दिन में आंटी कैसी लगती है, डेंटी आकर्षण। समझ आया, बनाना पड़ता है इसको लिंक, बनाएंगे 10 वर्ड बना, अब सोचो तुम लोग तो पढ़ लीजिए, बनाने में इसको लिंक खोजना पड़ता है ना। तो डेंटी दिन में आंटी, दिन में आंटी डेंटी, दिन में आंटी कैसी लगती है, डेंटी करो। एपोक्लिप्टिक, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, अगर आपको लिपस्टिक लग गया तो एपोक्लिप्टिक निश्चित है, समझ में आया। तो एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, अगर आपको लिपस्टिक लग गया तो एपोक्लिप्टिक निश्चित है, बर्बाद होना निश्चित है। आ जाइए एपोक राइफल, आपकी राइफल, आपके पास जो राइफल है ना वो एपोक राइफल है, नकली है, अप्रमाणित है। तो एपोक राइफल आपकी राइफल, एपोक राइफल आपकी राइफल, आपकी राइफल कैसी है, एपोक राइफल है, नकली। आयो कैटाक्लिज्म, 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 कैट किल, कैट को किल कर देने से आदमी कहते हैं लोग, कैट को किल कर दिए तो क्या हो जाएगा, कैटाक्लिज्म आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, ठीक। तो कैटाक्लिज, कैट को किल कर देने से कैटाक्लिज हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। अब आ जाए डेस्पेयर, देश पर, डेस्पेयर देश पर, डेस्पेयर देश पर, देश पर आतंकी हमला होने से या कुछ भी बर्बाद होने से लोग डेस्पेयर हो गए हैं, उदास हो गए हैं, ठीक। अब इसके बाद एक मिनट में देखो, बिना बिना उत्ती किए हम इधर से बोलते हैं ग्रीट, ग्रीट, ग्रेट लोगों, ग्रेट लोगों में गजब की ग्रीट पाई जाती है, हो गया, ग्रेट लोगों में गजब की ग्रीट पाई जाती है। अपैथी पोथी, अपैथी पोथी, पोथी पढ़ने से लोगों में क्या होती है, अपैथी होती है, उदासीनता होती है, ठीक। अवरेसियस, अवारा लोग कैसे होते हैं, अवरेसियस होते हैं, लालची होते हैं, ठीक। इंडोर्समेंट, इंदौर में सीमेंट, इंडोर्समेंट इंदौर में सीमेंट, इंदौर में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री को क्या मिल गया, इंडोर्समेंट मिल गया। अब आ जाओ डेंटी, डेंटी दिन में आंटी, डेंटी दिन में आंटी, दिन में आंटी डेंटी लगती है, मतलब आकर्षण, ठीक। एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, आपको लिपस्टिक लग गया तो एपोक्लिप्टिक बर्बाद होना निश्चित है, ठीक। एपोक राइफल आपकी राइफल, आपकी राइफल एपोक राइफल है, नकली है, अप्रमाणित, उसमें यानी गोली नहीं लगता है, ठीक। कैटाक्लिज, कैटाक्लिज, कैट को किल कर देने से कैटाक्लिज आ सकता है, प्रलय आ सकता है। डेस्पेयर देश पर, डेस्पेयर देश पर, देश पर बार बार आतंकी हमला होने से लोग डेस्पेयर हो गए हैं, उदास हो गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अगर वर्ड मीनिंग को हम रोजाना 10 वर्ड मीनिंग दें तो ये जानते हो तुम्हारे सिलेबस का है, एसएससी सीजीएल में बैठो, 10+2 में बैठो, बैंक में बैठो, पीओ में बैठो, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, आईएएस में, यूपीएससी में, यहाँ तक कि एनडीए में, सीडीएस में, कहीं भी जाओ, किसी भी एग्जाम में तुम्हें चाहे अपोजिट वर्ड, चाहे सिनोनिम, चाहे एंटोनिम, कुछ भी पूछेगा लेकिन पक्का इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक ना। किसी भी एग्जाम में जाओ तुम्हारे सिलेबस टेक्स्ट बुक में काम आएगा, तुम्हारे कंपटीशन में काम आएगा, ठीक ना। बैंक का उठा कर देख लो, इससे 2-4 सेट लगाओ अपोजिट या इससे जो है सिमिलियर वर्ड मीनिंग में लगाओगे तो अगर 4 एक्सरसाइज करोगे चारों में से कहीं कहीं एक तो जरूर मिलेगा, तुरंत मिलेगा, चाहे वो आज के 10 साल पहले पुराना एक्सरसाइज हो, क्योंकि ये सब वर्ड मीनिंग उसी जगह पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब जो है समय को देखते हुए इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी, ठीक ना, क्योंकि नहीं तो हम फिर आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा जाए समय को, तो फिर अपने हम टॉपिक्स पर आते हैं, ठीक ना, फिर अपने हम टॉपिक्स पे आते हैं, इसको हम दे देंगे अपने बुक्स नोटबुक से उसको उतार, ठीक ना, क्योंकि अभी जा नहीं रहे हैं, वीडियो बन रहा है, कम समय में हमको जाने का, तो हमें
अब टाइम और टेंस हो गया था ना, अब हमें क्या पढ़ना था? प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? टाइप ऑफ सेंटेंस की टेंस ये चल रहा था। तो तीन प्रकार के बता दिया गया था ना, तो प्रेजेंट टेंस पढ़ना है ना, प्रेजेंट टेंस। हाँ, प्रेजेंट टेंस कौन सा प्रेजेंट टेंस? सिंपल, सिंपल को लोग इंडिफिनिट भी कहते हैं, ठीक ना? कुछ लोग सिंपल को एग्जामार में कहते हैं कि वो सिंपल है, ठीक ना? तो हम प्रेजेंट टेंस में आएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन क्या है भाई, इसकी पहचान क्या है? हाँ, तो लास्ट में ता तेती वाला रूल नहीं चलना है। ये आज तक ये रूल एकदम बेकार कर दिया लोगों को, हमेशा डिस्टर्ब करेगा। इसके वजह से आज के बाद प्रेजेंट टेंस की पहचान ता तेती नहीं है, बल्कि उसका रूल और फैक्ट दूसरा कुछ है, ठीक ना? ये बातें आज तक गलत साबित हो गई और हम गलत कर देंगे। पहला टॉपिक है कि हम प्रेजेंट टेंस में किस किस प्रकार के सेंटेंस को हम लिखते हैं, कैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो पहला नंबर आता है, पहला पॉइंट ता तेती से नहीं देखेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अब इसमें ता तेती नहीं देखेंगे, वो लोग तो छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो पढ़ाते हैं, ठीक ना? ताकि ये जो एक चीज जो भावना नहीं पकड़ पाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम कैसे सेंटेंस को पहला रूल कहता है, प्रेजेंट टेंस कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारे आप बैकग्राउंड में हमारे अंडर में उसी सेंटेंस को लिखेंगे। पहला नंबर जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, सार्वभौमिक सत्य रहेगा, जैसे साइंटिफिक बातें। अब हमने कहा द सन, द सन, अब हमने लिख दिया राइज, हमने लिख दिया इन द ईस्ट। अब बताओ अगर तुम्हें ऐसे वर्ब कह दिया जाए भरने के लिए, तो बताओ कोई गारंटी है कोई किसमें भरेगा? अगर मेथड नहीं जानता होगा तो हो सकता है द सन इज राइजिंग भी कर सकता है, द सन रोज भी कर सकता है, द सन वाज राइजिंग भी कर सकता है, द सन विल राइज भी कर सकता है, लेकिन सारे के सारे रूल वो गलत हो जाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कह देगा राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या भरोगे? राइज करोगे कि रोज करोगे कि विल रोज करोगे कि विल राइज करोगे, क्या करोगे? ध्यान दो पहले, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूर्य हमेशा पूरब में उगता है। अब तुम लोग कहते हो बस अब बोले थे, जब बोलेंगे उगता है ता वाला तब बनाते, तुम पर जी बनाते ना, लेकिन बात यहां से है कि ये बात सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको जब भी लिखेंगे आप तो प्रेजेंट टेंस में द सन राइजेज इन द ईस्ट रूल नहीं है ना, कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे और प्लूरल के साथ V1 लगाएंगे जो बिना यस वाला रहेगा, और सिंगुलर के साथ V5 लगा दें जिसमें यस और यस लगे रहे, तो सन क्या है? सिंगुलर है, लगा दिया V5। समझाया? तो ये नहीं कहते हैं कि प्रेजेंट, अंग्रेजी से अंग्रेजी सीखो, हिंदी से हिंदी मत सीखो, हिंदी से कहीं आएगा तुमको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा हिंदी कहां रहेगा वहां पर? हिंदी तो मिलेगा तुमको ट्रांसलेशन में, तो वहां अपना काम चलाना। हमने कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तुम कहे सर जी ता तेती है प्रेजेंट, लेकिन वो तो सर जी बता दिए प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये नहीं बताए कि ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है और जब भी लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। हमने लिखा द सन, द अर्थ, द अर्थ मूव, द अर्थ मूव राउंड द सन, राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब कहोगे तब, अब हिंदी में लिखा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कहोगे ता तेती आ गए, लेकिन नहीं, गलत है। आप देखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इसके मतलब नहीं है, आप देखेंगे बात सख्त है, आज भी लगा रही है, ठीक है, भविष्य में भी लगा रही है, तो ये बात सख्त है। अब क्या क्या चीज मिलकर पानी वानी बनता है, अब साइंटिफिक मेथड जितना भी होगा सब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? साइंस जितना बताता है ट्रूथ बतलाता है, सत्य बतलाता है। तो साइंटिफिक की बातें जितनी भी हमेशा लिखी जाएंगी वो प्रेजेंट टेंस में लिखी, पहला रूल एक आता है। हमने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में पश्चिम में डूबता है, ये भी सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये भी सत्य है। दूध सफेद होता है, मिल्क इज व्हाइट, वो भी सत्य है।
इसीलिए तो इज वाइट लिखा गया प्रेजेंट में, समझाया तुम लोग ने, तुम लोग हल्के में ले रहे। अरे तुम्हारे अंदर की खोपड़ी का हम जो दिमाग खोलना चाहते हैं ताकि खुल जाए वो चीज, जान जो नहीं तो नकली जिंदगी में पढ़ते रह जाओ, ये तो फ्राइपल रहोगे हमेशा नकली, ठीक ना। अब देखो पहला कंसेप्ट हो गया, तो इतना अब लिखने के लिए इसको लिखना लिखते भी जाओ कलम पेपर से लेकर बैठ लो कि यूनिवर्सल बातें को हम स्टेटमेंट को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, दो एग्जाम्पल लिखते रहो, ठीक ना। बोले यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को सदैव प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। दो एक लोग लिखेंगे बाकी लोग बंद रहेंगे, उनसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि समय है नहीं। आ जाओ दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है जो प्लान क्या हो, जो प्लान फिक्स हो उसे प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। लिख लो पहले, हमने क्या कहा, जो प्लान फिक्स हो चाहे उसकी हिंदी गागेगी ही निकलती हो, लेकिन उसको बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट। अब देखो हमने कहा प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, बनाओ अंग्रेजी, सारे के सारे लोग यही बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू पटना टुमारो, सब लोग यही बताएंगे, लेकिन सबका गलत। हमने कहा प्लान दो प्रकार का, एक फिक्स प्लान और एक नॉन फिक्स प्लान, ठीक ना। प्लान दो प्रकार का, जो प्लान फिक्स है उसकी अंग्रेजी हम सदैव किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में, और जो प्लान फिक्स नहीं है उसकी अंग्रेजी हम फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे यह ट्रेन सुबह 7 बजे पटना जाएगी, ये फिक्स है प्लान, लेकिन मैं उस ट्रेन से पटना जाऊंगा ये प्लान फिक्स नहीं है, मैं रुक भी सकता हूं, लेकिन वो ट्रेन नहीं रुक सकती। 99% हम बता रहे, 1% तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, 99% वो ट्रेन जाएगी, वह ट्रेन तभी रुक सकती है जब कोई यूनिवर्सल घटना हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी घटना हो जाए तुम्हारा प्लान पर्सनल प्लान है, वो फिक्स नहीं है, वो नॉन फिक्स है। लेकिन अब बताओ कल प्रधानमंत्री पटना जाएंगे, सब लोग यही बनाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू पटना टुमारो, लेकिन गलत, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू पटना टुमारो, क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू पटना टुमारो, ये सत्य होगा। हमने कहा कि रॉकेट चंद्रमा पर शाम 4 बजे उतरेगा, द रॉकेट लैंड्स होगा, विल लैंड नहीं होगा, द रॉकेट लैंड्स ऑन द मून एट 4 PM, क्यों, क्योंकि वो प्लान फिक्स है। टेस्ट मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा, विल प्ले कभी नहीं होगा, केवल प्ले होगा, प्लेज, ठीक ना, तो प्लान फिक्स है। इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस पढ़ा जाता है, न कि तुरंत ही सब इंट्रोगेटिव इवेटिव शुरू कर दो, ठीक ना। अब इसके बाद टेस्ट कल पढ़ाया जाएगा।